हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार विधान परिषद में जो भर्ती आई हुई है उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि क्या क्या उसका पद है, कितने सीट हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ बता दिया है मैंने, आप लोग देखे भी होंगे। और फ्रेंड्स, पहले जो था 19 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला था, लेकिन बीच में डेट बढ़ाया गया, मैंने उसका भी वीडियो अपलोड किया था कि डेट बढ़ चुका है। और फ्रेंड्स, फाइनली आज 22 अगस्त है और लिंक एक्टिवेट हो चुका है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ और ले चलूँगा ऑफिशियल वेबसाइट पे कि वहाँ से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनलाइन जो अप्लाई का लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए क्योंकि बाद में जो है सर्वर स्लो हो जाता है, इसलिए आप लोग को जैसे मौका मिले आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स बिहार में जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जितने भी पैनल बने हुए हैं या जो आवेदन लेने के बाद रद्द कर दिया गया, बहुत सारे विज्ञापन रद्द कर दिया गया, तो यहाँ पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो दो संगठन हैं बिहार में, आईसा और एक्टू, इन लोगों ने सपोर्ट किया है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अभ्यर्थियों को। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स। और यहाँ पर बहुत जल्द जो है BSPM के माध्यम से ही बहाली होगी, क्योंकि आप लोग का जितना एकता होगा उतना ज़्यादा ये आंदोलन रंग लाएगा, इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो को देखे जरूर आप लोग। ये वीडियो में मैंने पूरा बात किया डिटेल से, ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को जाकर जरूर देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए हर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, है ना, जहाँ भी है आपको शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये बात पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित होकर संगठन को मजबूती प्रदान कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि BPSM लाओ और बेल्ट्रोन हटाओ ये कामयाब हो सके। और फ्रेंड्स, बिहार में समाज कल्याण विभाग बिहार की तरफ से नई भर्ती का हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है अपडेट, जो कि 917 पदों पर बहाली के लिए ऑनलाइन अप्लाई 24 अगस्त से आप लोग कर सकते हैं। आज 22 अगस्त है, दो दिन के बाद अप्लाई शुरू हो जाएगा, जो कि लास्ट डेट 14 सितंबर है। इसका पूरा अपडेट जानने के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो को विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको बिहार विधान परिषद का नया अपडेट जो कि आ चुका है लिंक। तो फ्रेंड्स, ये रहा बिहार विधानसभा का विधान परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर देखिए, कल तक ये लिंक नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पर आ चुका है। 2, 3, 4, 5, 6/19 ये सब जो है 5 तरह के पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी निकली हुई है बिहार विधान परिषद में। और यहाँ देखिए अप्लाई नाउ का यहाँ पर आ रहा है लिंक, जो अंतिम तिथि है वो 11 सितंबर 2019 है। चलिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दिखा रहा है कि योर डिवाइस इज नॉट अलाउड टू एक्सेस द पेज, ठीक है, यानी फ़ोन में जो है ये लिंक ओपन नहीं होगा। इसको आप लोग जाके कंप्यूटर में या लैपटॉप में जाकर ओपन कीजिए, वहीं से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग चाहते हैं कि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बनाऊं, वीडियो अप्लाई करके दिखाऊं आप लोग को, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए तो मैं जरूर वीडियो बनाकर लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।